फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल कब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब जब नए वीडियोस डालूंगा आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं तेजस। सो ये ऑडी Q3 है। सो इसमें क्या हो रहा है, आगे से जो है ना सस्पेंशन में नॉइस आ रहा है, मतलब खटखट जैसा। सो ब्रेक दबाने के टाइम पे ना बहुत आवाज़ आता है और पीछे के साइड से भी ना गाड़ी बहुत हिलती है। सो अभी आगे का है ना शायद लॉरम का बूश गया रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब ब्रेक मारते हैं ना सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है ना इसके लॉरम पे आता है। सो देखते हैं अभी क्या है। सो माइट भी इसका जो है लॉरम का ही रहेगा। सो ओके, तो इसका जो व्हील का बोल्ट है ना, बोल्ट खोलने के लिए जो कैप है, कैप खोलने के लिए एक टूल है, मतलब ये बोनट ओपनर कहते हैं इसको। तो जस्ट इसको लगाने का और खींचने का, तो देख रहे हैं आप। सो इसके नीचे जो 17 का एक बोल्ट है, देखो। इसके जो व्हील के बोल्ट है ना, सो इसके जो 4 बोल्ट है और नॉर्मल जो 17 का पाना है, जो बॉक्स पाना है, उससे खुल जाते हैं। सो लेकिन एक जो बोल्ट है ना वो अलग दिया है, क्योंकि क्या है कि कोई भी मतलब फिर व्हील के बोल्ट खोल के इसका जो व्हील है व्हील चुरा सकता है ऐसा वैसा। सो कंपनी ने जो है ना इसका एक अलग टूल है ये बोल्ट खोलने का। सो डिक्के में रहता है अपने गाड़ी के, ये देखो। सो इधर इसका जो 17 का एक टूल लग जाएगा। सो ऐसे इसका जो अभी जो बोल्ट व्हील के वो खोलने होंगे। देखते हैं इसका जो व्हील है व्हील रिमूव कर दिया है। सो इसका बैटरी वायर भी निकाल दिया है। सो कुछ इशू नहीं होता नहीं निकाले तो भी, क्योंकि क्या है लेकिन कोई ठोकम ठाके होते ना तो उसकी वजह से कुछ मतलब हो सकता है, कोई सेंसर उड़ सकता है। सो इसके लिए इसका जो बैटरी वायर निकाल के रख दिया है, मतलब अपने सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है कि बैटरी वायर निकाल के रख देना। सो आप देख सकते हैं इसका बूश है लॉरम का, नीचे का देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन क्या है, पूरा टूटा है देखो। सो इसके वजह से आगे से भी जो है ना ब्रेक दबने में खट खट आवाज मारता था। सो इस साइड का आप देख सकते हैं। सो उसके लिए क्या करना होगा, इसके जो 16 के जो दो बोल्ट है ना आप देख सकते हैं, ये दो बोल्ट और ये जो 18 का है वो खोलना होगा। फिर उसके बाद ये बूश है, ये एल्यूमिनियम की जो प्लेट है ना, मतलब इसमें बूश बैठा है वो प्रेस हुआ है वो, उसके साथ जो इधर से लॉरम में से निकल के आ जाएगा। सो इसके लिए लॉरम कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं रहती, इसे इधर से ही ईजिली आ जाता है, जो कि ये साइड का खोल दिया है। सो देखो दोनों के दोनों जो बूश है वो खोल दिए। अभी आपको इसका जो बूश का जो कट हुआ है ना वो पोजीशन दिखा देता हूँ, ये देखो ये पोजीशन जो है पूरा कट हुआ है, ये साइड का भी कट हुआ है, खाली ये साइड जो है ना ये साइड बचा है, ये देखो। सो इसका भी देख सकते हैं दूसरे का, ये भी कट हुआ है, ये भी खाली है साइड पे जो लटका है ना उस पर रुका है। सो अभी दोनों के दोनों जो बूश है वो रिप्लेस करने होंगे आगे के, और पीछे का मैं दिखाया आपको वो बूश भी रिप्लेस करने होंगे। इसका जो रियल व्हील है वो खोल दिए है। सो आप देख सकते हैं इधर एक फाइबर है, सो उसके लिए जो स्टार के जो स्क्रूज है ना वो खोलने होते हैं। सो देखो ये स्टार के जो स्क्रूज है ना इधर उधर लगे हुए हैं, सो खोलने होते हैं। सो खोल देता हूँ। तो देखो इसका जो पीछे का जो ब्रेक सिलेंडर है ना उसका जो मोटर है उसका वायरिंग है। सो ये साइड पे इसके जो लॉक्स हैं ना लॉक फिट होते हैं। सो जस्ट इसको जो है ना पीछे के साइड से अंदर प्रेस करने का, सो जब ये बाहर आता है ना सो ये लॉक जो है निकल आता है। और इधर से इसका जो रनिंग बोर्ड के नीचे जो फाइबर है ना उसके जो स्क्रूज है, स्क्रूज खोल से खोल के आपको इसके बोल्ट जो दिख जाएंगे। सो ये देखो ये इसका जो लॉक रहता है ये वायरिंग का, इसके अंदर लगता है। सो ये जस्ट पीछे से ढोकेलने पे ये जो निकल आता है इधर से वायरिंग। देखो ये 18 के दो बोल्ट आते हैं ये पोजीशन पे, सो के खोल वो भी खोल लिए। सो देखो ये नीचे से पूरा लूज हो गया है। सो खाली इसके जो आगे का प्लेट है ना उसके जो 4 बोल्ट है आप देख सकते हैं, 1 2 और इस साइड में जो 2 है वो। सो खोल के इसका जो क्लैम्प जो कि पीछे का जो ब्रेक पैड है उसका जो मोटर है मतलब सिलेंडर का उसको लॉक करता है वो। सो वही स्टेप्स इसका जो लिंकेज खोलना होगा पहले ये साइड से, फिर उसके बाद इसके जो 18 के बोल्ट है वो, और ये जो 16 के दिख रहे हैं आपको एक क्लैंप के वो, और ये फाइबर जो भी है वो खोलना होगा। कटने पे ये जो है निकल जाता है। सो आप इसके बूश देख सकते हैं, ये वो कट हुए ये बूश और विक भी हुए। सो इसकी वजह से इसका जो लॉरम है इसमें बहुत प्ले था, मतलब गाड़ी के जो टायर है ना टायर कट हो रहा था एक, मतलब
चलेंगे ना, तो चलने के बाद टायर जो है कट हो रहा था। देख सकते इसके जो नए बूश है वो लाए, ये देखो, और इसका जो पीछे का जो बूश गया था उसको भी प्रेस कर लिया है, आप देख सकते हैं, ये देखो, दोनों के दोनों जो इंस्टॉल करने वाले। और इसका जो क्लैंप है, क्लैंप है पोर्शन पे लगते हैं इसके आगे से, सो क्लैंप लगा के इसको जो इंस्टॉल कर देंगे। तो देखो ये प्लेट लगा दिया है, वो पोजीशन पे चेक कर लेने का कि इसका पोजीशन कैसा आता है, क्योंकि अगर उसका पोजीशन रॉन्ग लेके अगर टाइट करेंगे ना तो उसका पोजीशन में जल्दी आएगा नहीं, और ये जब खींचा दानी करेंगे ना तो मतलब टेढ़ा वेढ़ा करके बिठाएंगे ना तो ये बूश जो है ना कट जाता है बिठाने के टाइम पे, बिठाने के बाद मतलब। सो अभी जो इसका पोजीशन लेके इसका जो बोल्ट आटा नंबर का वो टाइट किया है, सो इसके ऊपर एक कैप लगा देंगे, जस्ट इसमें लॉक होता है ये देखो बोल्ट में। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, जैसे खोला था वैसे इंस्टॉल कर देंगे। अब देख सकते हैं इसका जो पीछे का जो मतलब ये पूरा लगा दिया है, देख सकते हैं पीछे से जो है ना पूरा कंप्लीट कर दिया है। सो देखो ये साइड का पूरा कंप्लीट कर दिया है, सो अभी आगे का करते हैं। आगे के साइड में जो इधर हल्का सा ग्रीस लगा देने का, सो बूश जो इजीली इंस्टॉल हो जाता है। तो अब इसको इंस्टॉल करते हैं, कुछ है नहीं इसमें, जस्ट प्रेस करने का और लगा देने। तो आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया है, जस्ट थोड़ा प्रेस करना होगा, प्रेस करके इसके जो बोल्ट है ना बोल्ट मैच करके लगा देंगे। अब देख सकते हैं दोनों साइड के जो बूश है इंस्टॉल कर दिए, सो अभी खाली इसका जो सील्ड है ना सील्ड को प्रॉपर करने का है, और इसके व्हील लगा के गाड़ी जो रेडी हो जाएगा, फिर उसको ट्रायल लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स इसका जो बैटरी का कवर है ये लगाना होगा, सो जस्ट लॉक में इधर लगता है ऐसा, सो इसका एयर फिल्टर भी ख़राब था, सो वो भी रिप्लेस कर देंगे। सो इसका बैटरी निकाला था क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है, मतलब जो मैनुअल गाड़ी है ना उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन क्या है फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए निकल के रखेंगे तो अच्छा रहता है। सो इसका बैटरी वायर निकाला था, सो इसका जो बैटरी वायर लगा के ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली इसका जो काम है पूरा कंप्लीट हो चुका है, सो अभी आप देख सकते हैं ट्रायल पे। सो अभी गाड़ी भी जो है पूरी नॉर्मल है, कोई भी नॉइस नहीं है ब्रेकडाउन, अभी सब चेक किया, सो ओके।